किसने करा आज के एपिसोड में रोमन रेंज के साथ खिलवाड़, रोमन रेंज और एडम पियर्स के बीच कौन सी स्टिपुलेशन वाला मैच सेट हुआ, वही मेन इवेंट में किस सुपरस्टार ने वापसी करके सभी को चौंकाया और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, वो सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही बैकस्टेज रोमन रेंज और पॉल हेमन अपने रूम में एक साथ बैठे दिखाई दिए। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, जहां पॉल हेमन कहते हैं कि ये एक नॉर्मल वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है जैसा कि हर पीपीई में होता है, एक तरह से बॉलीवुड प्लेलिस्ट जैसा है, कॉपी कटर प्रीव्यू है। पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज एडम पियर्स के खिलाफ तुम्हें एक स्टिपुलेशन की जरूरत है ताकि तुम खुल के एडम पियर्स को सिखा पाओ कि रेस्पेक्ट और डर क्या होता है। रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए कहते हैं कि इस मैटर को हम हैंडल करेंगे। अब हमें जे उसो की एंट्री दिखी, वो आके कहते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन स्मैकडाउन से नहीं है बल्कि द ब्लड लाइन शो से है। रोमन रेंज और मैं इस शो को रन कर रहे हैं और कोई नहीं, खास करके एडम पियर्स। जे उसो कहते हैं कि हमारी फैमिली बढ़ रही है और मैं ऑफिशियली अपनी रॉयल रंबल में एंट्री को यहां से अनाउंस करता हूं। रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन है और मैं WWE चैंपियन बनूंगा और फिर हम एंटायर कंपनी को रन करेंगे। तभी नाकामुरा की एंट्री होती है, वो आके कहते हैं कि रोमन रेंज बिग डॉग हो सकते हैं और तुम एक लिटिल पप्पी हो। तभी घुमा के नाकामुरा लात देते हैं और जे उसो को रिंग के बाहर कर देते हैं। इसके बाद हमें जे उसो वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही नाकामुरा ने जे उसो की खातिरदारी करना शुरू कर दिया और जम के उनमें मार लगाई। तभी कुछ देर बाद जे उसो पलटवार करते हैं, हालांकि नाकामुरा बीच बीच में फाइट बैक की कोशिश करते हैं बट जे उसो रिंग कॉर्नर में उन्हें दे मारते हैं। नाकामुरा ने जे उसो पर काफी एग्रेसिव होकर अटैक करा। तभी सिजारो की एंट्री हुई, वो आके कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। अच्छा मैच जगह दोनों सुपरस्टार के बीच, एंड में जे उसो नाकामुरा पर स्प्लैश लगाते हैं बट नाकामुरा नी लगा के खुद को बचाते हैं। फिर जे उसो रोप के सपोर्ट से नाकामुरा को पिन कर रहे थे, रेफरी ये देख लेते हैं। फिर जे उसो रेफरी से जाके उलझ जाते हैं तो नाकामुरा मौका देखकर मूव देते हैं और मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब बैकस्टेज पॉल हेमन एडम पियर्स के पास गए, जहां पहले से सोनिया डेविल भी मौजूद थी। वो एडम पियर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं कि ये एग्रीमेंट है जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने भेजा है। पॉल हेमन कहते हैं कि एडम पियर्स तुम्हारे पास स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के लिए शॉट है। इतना ही नहीं, ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। अब एडम जानते हैं कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच रोमन रेंज को ही फायदा देगा ना कि उन्हें, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। बिना किसी डर के एडम साइन कर देते हैं तो पॉल हेमन देखकर ये शॉक होते हैं। फिर एडम पियर्स कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल में आने को तैयार हूं और इसे खत्म करेंगे चाहे मैं इंजर्ड ही क्यों ना हो जाऊं। इसके बाद पॉल हेमन एडम पियर्स का साइन करा के कॉन्ट्रैक्ट लेके रोमन रेंज के पास रूम में आते हैं, तो वहां अपोलो भी बैठे होते हैं, रोमन रेंज से बात कर रहे थे। पॉल हेमन आके बताते हैं कि उसने साइन कर दिए हैं। अपोलो जाने लगते हैं तो रोमन रेंज कहते हैं कि तुम रुको। रोमन रेंज कहते हैं मैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं चाहता हूं, मैं लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच चाहता हूं। फिर पॉल हेमन कहते हैं कि एडम इसके लिए तैयार नहीं होगा। रोमन रेंज कहते हैं कि वो इस पर साइन भी करेगा, वो भी रिंग में। इसके बाद रोमन रेंज अपोलो से बात कंटिन्यू करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि WWE में रेस्पेक्ट कैसे अर्न करी जाती है। अब हमें नटालिया वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच मैच दिखा। राइट स्क्वाड की थर्ड मेंबर के तौर पर बिल्ली के ने भी लिव मॉर्गन और रूबी राइट के साथ एंट्री करी। बेल बजते ही दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। दोनों शुरू में एक दूसरे पर हावी होने की काफी कोशिश करती हैं। नटालिया लिव मॉर्गन पर हावी होती हैं और कुछ मूव उन पर लगा देती हैं। अब लिव मॉर्गन नटालिया पर हावी होती हैं और कुछ मूव देती हैं। तभी तमीना की एंट्री होती है, वो आके बिल्ली के को कहती हैं कि तू तो मेरी साइड थी। फिर वो रिंग में से होके जाती हैं। लिव मॉर्गन का ध्यान हटता है और नटालिया उन्हें रोल करके मैच जीत लेती हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। रे मिस्टीरियो के साथ उनके बेटे डोमिनिक भी मौजूद थे, जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठे थे। मैच शुरू होते ही रे मिस्टीरियो किंग कॉर्बिन को घुमा के रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं, हालांकि उसके बाद कॉर्बिन रे मिस्टीरियो पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। रे मिस्टीरियो बीच बीच में फाइट बैक की कोशिश करते हैं बट कॉर्बिन रे मिस्टीरियो को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। अब कॉर्बिन डोमिनिक से जाके उलझ जाते हैं। वहीं रिंग में डोमिनिक को दिखा दिखा के रे मिस्टीरियो में वो मार दे रहे थे। रे मिस्टीरियो पलटवार की कोशिश करते हैं तो कॉर्बिन उसे फेल ही कर रहे थे। रिंग के बाहर कॉर्बिन डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं। तभी रे मिस्टीरियो कॉर्बिन को 619 देते हैं, हालांकि कॉर्बिन रिंग में आके रे मिस्टीरियो को डोमिनिक पर दे मारते हैं और मूव देके मैच अपने नाम कर लेते हैं।
अब बैकस्टेज पॉल हेमन एडम पियर्स से फिर मिले, जहां वो उनसे कहते हैं कि रोमन रेंस को लगता है कि नो डिस्क्वालिफिकेशन स्टिपुलेशन राइट चॉइस नहीं होगी रॉयल रंबल के मेन इवेंट के लिए, जिसके बाद वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हो। पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि तुम पर प्रॉपर टाइम है, क्योंकि आज रात एडम तुम रिंग में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हो। इसके बाद एक नया टॉक शो देखने को मिला जिसका नाम डिंग डोंग हेलो था, जो कि बैले ने होस्ट करा। रिंग में एक गेट भी लगाया गया था जहां से बैले एंट्री करती हैं और कहती हैं कि डिंग डोंग हेलो के पहले प्रीमियर में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट बियांका ब्लेयर होंगी। बियांका आके उस डोर पर बैल बजाती है, बैले डोर को ओपन करती है और आके बैले के सोफे पर वो बैठ जाती है। बैले कहती है कि ये मेरी सीट है, बट वो हटती नहीं है। तो बैले कहती है कि ठीक है चलो मैं खड़ी रहती हूँ। बैले वो मैच दिखाती है जिसमें बैले ने बियांका ब्लेयर को हरा दिया था। इसके बाद बियांका ब्लेयर बैले के साथ रीमैच की डिमांड करती हैं, हालांकि बैले इसके लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास साबित करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें बैकस्टेज रे मिस्टीरियो और डोमिनिक साथ दिखाई दिए, जहां डोमिनिक कॉर्बिन से मैच लड़ने के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद रे मिस्टीरियो उनसे कहते हैं कि वो एक डोमिनेंट बीस्ट है, उसे काफी एक्सपीरियंस है, वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुका है और मनी इन द बैंक विनर भी है। अभी तो मैं उसके खिलाफ मौका नहीं मिल सकता। डोमिनिक कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है क्या नहीं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं कि लेकिन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे तुम्हें ग्रेट एडवाइस मिल सके। इसके बाद हमें सिजारो वर्सेस डेनियल ब्रायन के बीच मैच दिखा। शुरू में सिजारो डेनियल ब्रायन को पटक लेते हैं, बट डेनियल ब्रायन भी फुर्ती दिखाते हुए सिजारो पर पकड़ बनाते हैं, लेकिन सिजारो डेनियल ब्रायन को रिंग कॉर्नर में देके अपर कट मारते हैं, बट डेनियल ब्रायन यस किक से पलटवार करते हैं, तभी सिजारो भी फाइट बैक करते हैं। अच्छा मैच था दोनों सुपरस्टार के बीच। डेनियल ब्रायन ने सिजारो को रिंग के बाहर करके उन पे डाइव भी लगाई और जम के उनमें किक मारी, तभी डेनियल ब्रायन की एक किक टर्न बकल में जा लगी, जिसके बाद उन्हें उस पैर में प्रॉब्लम हुई और सिजारो ने उसी पैर में उनको मारा। फिर डेनियल ब्रायन ने सबमिशन भी लगाया, बट सिजारो उससे निकल पाए और एंड में डेनियल ब्रायन अपना मूव देने वाले थे, तभी सिजारो ने उन्हें मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस अपोलो के बीच मैच दिखा। रिंग साइड कमेंट्री टेबल के साइड में बिगी मस्त काउच पर बैठ के इस मैच को देख रहे थे। बेल बजते ही अपोलो ड्रॉप किक देके सैमी ज़ेन को टेक डाउन करते हैं, हालांकि सैमी ज़ेन जल्दी पलटवार करते हुए अपोलो को रिंग के बाहर कर देते हैं। दोनों जम के एक दूसरे में मार देते हैं, तभी अचानक से अपोलो ने सैमी ज़ेन को रोल करके मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद अपोलो बिगी के पास जाके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उठा लेते हैं। वहीं शो के मेन इवेंट में रोमन रेंज, पॉल हेमन और जे उसो एक साथ दिखाई दिए, जहां कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। रोमन रेंज एडम से सीट लेने को कहते हैं, बट फिर कहते हैं कि तुम खड़े रहो। फिर पूरे WWE यूनिवर्स के सामने रोमन रेंज एडम पियर्स से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद रोमन रेंज मुस्कुरा रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद वो एडम की आंखों में देखते हैं। अब एडम भी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके लिए पूरी रात इंतजार करा है। तभी एडम पियर्स रोमन रेंज का साइन करा कॉन्ट्रैक्ट लेके चले जाते हैं, जिसके बाद पॉल जेउस और रोमन रेंस थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। अब एडम पियर्स रैंप पर जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात कहते हैं कि पीपीबी के कार्ड चेंज हो सकते हैं और ऑफिशियल होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूं। वो बताते हैं कि मैं रॉयल रंबल के लिए मेडिकली क्लियर नहीं हूं, बट मुझे मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया है जो कि केविन ओवंस हैं। तभी केविन ओवंस की एंट्री होती है और वो आके उसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं जिस पे रोमन रेंस ने करे थे, और ऐसा करते ही केविन ओवंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच रॉयल रंबल के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब हर वीक की तरह इस वीक भी पूरा शो रोमन रेंस, पॉल हेमन और एडम पियर्स के चारों तरफ ही घूमा। वहीं बैकस्टेज रे मिस्टीरियो ने किसी के आने की हिंट दी है, अब वो कौन होगा वो टाइम बताएगा। वहीं आज हमें सिजारो और डेनियल ब्रायन के बीच एक शानदार मैच देखने को मिला। एडम आज रोमन रेंस के साथ खेल गए। पूरे शो में रोमन रेंस और पॉल हेमन को लगा कि वो एडम पियर्स को चला रहे हैं, बट मेन इवेंट में एडम ने बाजी पलटी और रोमन रेंस के साइन करे कॉन्ट्रैक्ट को लेके केविन ओवंस से उस पे साइन करवा दिए। हालांकि आज के एपिसोड में रोमन रेंस का किसी भी तरह का एक्शन देखने को नहीं मिला, बट नेक्स्ट वीक जरूर दिखेगा, क्योंकि जो भी एडम ने रोमन रेंस के साथ करा है उसके बाद ये तो होना तय है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर कैनन बॉल, डीप सिक्स और यस किक मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।